हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर गुड स्टडिंग वेल सो वेलकम टू अनदर सेशन इन टूडे सेशन वी विल स्टडी अबाउट ट्रेंड्स ड्यूरिंग सक्सेशन और ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल डेवलपमेंट तो आपने सक्सेशन टर्म बहुत पहले से सुनी होगी ग्रेजुएशन से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम सक्सेशन के बारे में ऐस क्या है कहाँ होता है क्या वो नहीं पढ़ेंगे आज आज हम सिर्फ ये देखेंगे जब सक्सेशन होता है तो जैसे जैसे स्टेजेस आगे आती जाती हैं इमेचोर पाइनियर स्टेजेस से जैसे जैसे धीरे क्लाइमेक्स आएगा तो जो चेंज होता है इकोलॉजिकल uh, प्रॉपर्टीज़ में उसका क्या ट्रेंड है कैसे क्या चीज़ें शुरुआत में कम होती हैं बाद में ज़्यादा होती हैं लेटर स्टेजेस में कुछ चीज़ें ऐसी जो इमेच्योर स्टेजेस इनिशियल स्टेजेस में आ, कम होंगी ज़्यादा होंगी और फिर जाके ज़्यादा या कम हो जाएंगी तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पहला है पहला पॉइंट देखिए देखिए दिस इज इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक उस इकोसिस्टम की उस कम्युनिटी की जहाँ पर सक्सेशन हो रहा होता है देखिए सक्सेशन क्या होता है चेंज ऑफ कम्युनिटीज़ सक्सेसिव कम्युनिटीज एट द सेम प्लेस एक कम्युनिटी आती है इकोसिस्टम इन्वायमेंट मॉडिफाई हो जाता है और फिर वो रिप्लेस हो जाती है दूसरी कम्युनिटी आती है फिर दूसरी कुछ टाइम तक रहती है फिर एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है उसके लिए अनफिट हो जाता है तो तीसरी आती है जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो ध्यान रखिए दोनों चेंज होते हैं प्लांट्स और एनिमल सो द कंपोजिशन ऑफ बोथ चेंजेस बिकॉज कम्युनिटी कंप्राइजेस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल तो फर्स्ट पॉइंट नाउ स्टार्ट लेट स्टार्ट ग्रॉस प्रोडक्शन द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन टू कम्युनिटी रेस्पिरेशन, यानी पी बाई आर रेशियो ये रेशियो। पी बाई आर रेशियो कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है और कितनी रेस्पिरेशन हो रही है अब आप देखिए जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं अगर एक सिस्टम में प्रेजेंट हैं कहीं प्रेजेंट है किसी कम्युनिटी में तो वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे और रेस्पिरेशन दोनों करेंगे दोनों चीज़ें करेंगे लेकिन अगर हेटरोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है यानी प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे जीपीपी ग्रॉस प्रोडक्शन तो केवल रेस्पिरेशन हो रही है तो यानी इनिशियल स्टेजेस में पी बाई आर रेशियो ग्रेटर देन वन होगी कौन से सिस्टम्स में जहां पर किन इकोसिस्टम्स में जहां पर ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन हो रहा है यानी शुरुआत की कम्युनिटीज ऑटोट्रॉप्स हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वहां पर बहुत हैं और धीरे धीरे फोटोसेंथेसिजिस uh, करने के लिए ऑटोट्रॉप्स आते हैं चाहे फिर वो माइक्रोब्स uh, हो या बड़े फोटोसिंथेसिस तो तो ज्यादा है अभी तो प्रोडक्शन हुआ नहीं है ना प्रोडक्शन होगा फिर एक्सेस में होगा तब तो एनिमल कम्युनिटी भी आएगी खाने के लिए और लेस देन वन कहाँ पर होता है हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन जहां पर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए एक फॉलन लॉग एक एक लकड़ी का टुकड़ा एक पेड़ के नीचे गिरा या एक पत्ती गिरी हुई है फॉलन लीफ तो कुछ समय के बाद वो पत्ती वैसी नहीं रहेगी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे आ, आ, वीकली अगर उसमें चेंजेस देखेंगे मंथली चेंजेस देखेंगे या फॉर एग्जाम्पल काउडंग वो भी जैसा इनिशियल स्टेज में था कुछ समय के बाद वैसा नहीं रहेगा तो एक सक्सेशन होता है वहाँ पर तो हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या है ऑर्गेनिक मैटर है शुरुआत में तो वहां पर क्या होगा पी आर वो तो सारे, आ, heterotrops है. Heterotrops है, तो सारे हैं हैं नेचुरली ये रेशियो कम होगी पी की जब पी की कम है आर की ज्यादा है तो पी बाई आर जब भी आप देखेंगे पी बाई आर अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये रेशियो लेस देन वन हो जाती न्यूमरेटर ज्यादा है तो ग्रेटर देन वन हो जाएगी सो इन डेवलपमेंटल स्टेजेस व्हाट इज द ट्रेंड इट इज लेस देन वन और ग्रेटर इट इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन एंड एज दे कम्युनिटी इज रिप्लेस बाय मेच्योर स्टेजेस जब और uh, बाद की स्टेजेस आती हैं लेटर स्टेजेस तो वहां पर ये अप्रोचेज जीरो बैलेंस हो जाता है ये जो रेशियो है ठीक है सी इट इज रिटर्न बाई मिस्टेक जीरो इट शुड बी वन तो इट बिकम्स वन यानी जितनी फोटोसिंथेसिस उतना रेस्पिरेशन धीरे धीरे वन हो जाता है फिर कमिंग टू नेक्स्ट बायो ग्रॉस प्रोडक्शन बाई स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास तो अगर आप शुरुआत की स्टेजेस देखेंगे वहाँ पर क्या है प्रोडक्शन बाय बायोमास बायोमास ज़्यादा होगा नहीं आप बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं एनिमल्स हैं जिनका बायोमास आपको दिखाई दे रहा है जो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बायोमास कम्युनिटी बायोमास में तो वो बाद की स्टेजेस में होता है शुरुआत में बायोमास कम है तो जब बायोमास कम है पी बाई बी अगर बायोमास कम है तो ये रेशियो ज्यादा होगी सो दिस रेशियो इज हाई लेकिन जैसे जैसे बायोमास बढ़ता जाएगा तो आप देखिए जब बायोमास बढ़ेगा तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगी देन बायोमास सपोर्टेड पर यूनिट एनर्जी फ्लो बी बाई रेशियो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रेशियो कितना बायोमास सपोर्टेड है पर यूनिट एनर्जी फ्लो फोटोसिंथेसिस से इनर्जी सनलाइट एनर्जी इज बिंग कन्वर्टेड इन टू केमिकल इनर्जी तो जो इनर्जी किस रेट से इनर्जी फ्लो हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है वो और बायोमास कितना सपोर्ट किया है उस एनर्जी ने तो अगर हम ये रेशियो देखेंगे दिस रेशियो बी ई इज़ लो इन इनिशियल स्टेजेस क्यों क्योंकि फिर देखिए बायोमास न्यूमरेटर पे है बायोमास कम है तो रेशियो कम होगी लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर स्टेजेस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है बी बाई e, यानी बायोमास ज्यादा हो गया जब बायोमास ज्यादा होगा न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो ये रेशियो हाई हो जाए तो ये तीन जो थे इनमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन या बायोमास रिलेटेड था फिर चौथा है कम्युनिटी प्रोडक्शन नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन यानी प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया खाना बनाया और एनिमल्स भी थे वहां पर उन्होंने उसको यूज किया ठीक है उसके बाद क्या उसमें कुछ बचता है अगर कुछ बचता है तो क्या बचा और कितना बचा नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन हाई होगा शुरुआत में क्योंकि आपको ये पता है एनिमल्स जीपीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा उनका प्राइमरी प्रोडक्शन में उनका कोई रोल है ही नहीं वो तो सेकेंडरी प्रोडक्शन करते हैं तो वो डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर अब डिपेंडेंट हैं प्लांट्स बना रहे हैं खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और फिर उस जो बनाए हुए फोटोसिंथेट को एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं दोनों के कंजम्पशन के बाद अगर बचता है तो दैट इज कॉल्ड नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन नेट कितना बचा तो शुरुआत में क्या है ये हाई होगा क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स कम हैं ये देखिए जितने ज़्यादातर ये आपको ट्रेंड्स और एट्रीब्यूट्स पूछे जाएंगे ये ज़्यादातर आपको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन के बारे में पूछी जाती है अगर मैंशनड नहीं है तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और स्पेसिफिकली अगर हैट्रोट्रॉपिक के बारे में पूछा गया जैसे हमने यहाँ पे बताया कि दिस इज लेस देन वन ये हेट्रोट्रॉपिक है तो वहाँ पे मैंशनड होगा आपके लिए ये चीज ठीक है तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन शुरू में हाई होगा क्योंकि हेटरोट्रॉप्स कम है लेकिन जैसे जैसे मेच्योर स्टेजेस आएंगी एक तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का भी बहुत सारा बॉडी पार्ट नॉन फोटोसिंथेटिक होता है स्टेम है ब्रांचेस हैं ट्रंक्स हैं रूट्स हैं वो कितना सारा बायो वो सारा नॉन सपोर्टेड वो सारा नॉन फोटोसिंथेटिक है विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय लीव्स तो वहां पर आपको धीरे धीरे नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन कम मिलेगा जैसे जैसे स्टेजेस आगे आगे जाती जाएंगी। फिर आगे देखते हैं मिनरल आपको पता है न्यूट्रिएंट साइकिल होते रहते हैं जो लॉक्ड हैं फिर अनलॉक होते हैं फिर प्लांट्स उनको लेता है और फिर बायोटिक से एबायोटिक में जाते ए बायो से बायोटिक में जाते ये साइकिल चलती रहती है कभी किसी कंपोनेंट में बहुत दिन तक पड़ा रह जाता है न्यूट्रीन कहीं किसी किसी कंपोनेंट में पाइरोटेक के एबार्ट कम रहता है वो आपने अलग अलग साइकिल्स में देखा होगा नाइट्रोजन में फॉस्फोरस में सल्फर में कार्बन में तो कमिंग टू तो न्यूट्रीन जनरल स्टेटमेंट ये है मिनरल साइकिल्स आर ओपन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस इनिशियल स्टेजेस और ये है क्लोज क्या मतलब है ओपन और क्लोज का मतलब कहीं कही ना कहीं लीकेज हो रही है ऐसा नहीं है कि एबायोटिक से बायोटिक में गया और बायोटिक से यहाँ ऐसा नहीं लेकिन यहाँ क्लोज है तो बहुत एफिशिएंट है साइक्लिंग कब मेच्योर स्टेजेस में देर इज़ वेरी लिटिल लीकेज वेरी लेस लीकेज वेस्टेज कहीं पर भी नहीं सिस्टम से बाहर जा रहा है फटाफट ले रहा। आप देखें ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है इन्वामेंट इतना कंडूसिव है डीकम्पोजिशन uh, के लिए क्योंकि मॉइस्चर बहुत अच्छा है टेम्परेचर अच्छा है। और इतना सारा लिटरफॉल uh, हो ही रहा है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत हो रहा है तो वो लिटरफॉल जब होता है फटाफट उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और फटाफट एब्जॉर्ब कर ली जाती है वो न्यूट्रिएंट्स तो उसका नतीजा क्या है इतना लेविश uh, ग्रोथ है वहाँ पे तो सॉइल बहुत पुअर है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है इसीलिए अगर वहाँ डिफॉरस्टेशन होता है तो उगना मुश्किल है नए प्लांट्स का क्योंकि सॉइल बहुत पुअर जो कुछ है फिर वॉश आउट हो जाता है बारिश रोज होती बारिश के साथ बह जाएगा तो इसीलिए वो तो लेयर्ड होते एक लेयर ने लिया जो बचा हुआ दूसरी ने लिया हो। जमीन तक आते आते बचता ही नहीं तो नेचर स्टेजेस में मिनरल साइकिल्स क्लोज होती हैं फिर आता है स्टेबिलिटी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल पर्टरबेशन रेजिस्टेंस मतलब कि कोई भी अगर आ, ए बायोटिक फोर्स उसको तोड़ना चाह रही है डिस्टर्ब करना चाह रही है उसको स्ट्रेस दे रही है चाहे फिर वो विंड हो टेम्परेचर हो प्रेशर हो बायोटिक भी हो सकता है तो रेजि उसको वो कितना रेजिस्ट कर सकती है कितना रोक सकती है और एक और इसी से रिलेटेड एक शब्द है जिसको बोलते हैं रीसाइलेंस ठीक है एक होता है रेजिस्टेंस एक होता है रीसाइलेंस रीसाइलेंस री साइलेंस इसमें क्या होता है जो शुरुआत की स्टेजेस हैं इनमें रेजिस्टेंट बहुत कम होता है सपोज कहीं पे सक्सेशन हो रहा है इनिशियल स्टेजेस अभी हर्ब स्टेजेस हैं वहां पर आपको पता है ना धीरे धीरे हर्ब स्टेज आगे चलती जाती हैं तो वहाँ पर आ, आ, अगर बहुत तेजी से रेनफॉल हुआ और वो जितनी हर्ब्स थीं वो सारी की सारी खत्म हो गई क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन जैसे जैसे मेच्योर स्टेजेस की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आ, अगर वहाँ ऐसा कोई भी फैक्टर आता है तो प्लांट पूरा पूरी की पूरी कोशिश होती है पूरी कम्युनिटी की कि अपने को प्रोटेक्ट कर पाए तो रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा है अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस शुरू में क्या है रेजिस्टेंस कम है लेकिन यहां पर रिसाइलेंस ज्यादा है रिसाइलेंस क्या होता है रिसाइलेंस है एबिलिटी टू कम बैक टू ओरिजिनल पोजिशन मान लीजिए हाई विंड आई और उसने यहां पर इन स्टेजेस में हर्ब्स को हटा दिया तो वो हर्ब्स आ जाएंगे एबिलिटी टू कम बैक लेकिन मेच्योर स्टेजेस में ऐसा नहीं रीसाइलेंस उनका बहुत कम है वो आ गए, आ गई गई और बनी हुई है आ, आ गई तो जाएंगी नहीं और चली गई तो फिर वापस आएंगी नहीं तो रीसाइलेंस वहां पर कम है रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर रेजिस्टेंस कम है रिसाइलेंस ज्यादा है डेवलपमेंटल स्टेजेस में देन बायोकेमिकल डाइवर्सिटी बायोकेमिकल डाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी अमंग बायो केमिकल्स कितने उसमें एमिनो एसिड्स हैं शुगर्स हैं और कम्पोनेंट्स हैं प्लांट के या एनिमल के तो शुरू में क्या है डाइवर्सिटी ही कम है तो ये जो बायोकेमिकल डाइवर्सिटी है वो भी कम है लेकिन जैसे जैसे उसमें स्पीशीज बढ़ते जाएंगे प्लांट भी एनिमल भी तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी डाइवर्सिटी भी और बायोकेमिकल डाइवर्सिटी भी रूट्स uh, भी कितने सारे एक्सुडेट्स फिर प्लांट लीव्स भी कितने सारे फाइटोकेमिकल्स बनाता है फिर तो ये सारे कुछ एयर में जाते हैं कुछ रूट में जाते कहीं कही ना कहीं एक डिफेंस सिस्टम है और उसको सस्टेन करने के लिए कम्युनिटी को वो चीज़ें जरूरी हैं तो बायोकेमिकल स्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी इज़ लो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस, लेकिन हाई है मेचोर स्टेजेस में फिर अ ग्रोथ फॉर्म आर स्ट्रेटेजिस्ट एंड के स्ट्रेटेजिस्ट आप को जब पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बताऊंगी तब आप और पढ़ेंगे आर और ये क्या होते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट अभी आप ये समझिए जो रे, रेट रेट है रिप्रोडक्टिव रेट आर कुछ छोटे एनिमल्स ऐसे होते हैं खासतौर से माइक्रोब्स उनकी कोई थ्रेश नहीं है अगर न्यूट्रीन फेवरेबल है इन्वामेंट फेवरेबल है तो वो डिवाइड करते चलते उनका जो रेट है कि एक से दो बनेंगे फिर वो जो दो बन गए उनसे फिर और दो बनेंगे यानी चार बन गए फिर अगले अगले टाइम जब डिवीजन हो गई तो वो चार से फिर आठ बनेंगे इस तरीके कर इस तरीके से ये सारे आर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं इनिशियल स्टेजेस में यानी ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है they are small in size they have high reproductive potential life cycle choti hoti hai they produce large number of spores bol do offsprings bol do jis bhi form mein wo reproduce karte hain dispersal unka hota hai zyada tar wind se तो ये वो ये characters होते हैं R स्ट्रेटजिस्ट के तो developmental stages में R स्ट्रेटजिस्ट ज़्यादा हैं जो जल्दी अपनी life cycle ख़त्म कर लेते हैं छोटे छोटे होते हैं और फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट से तो मेच्योर स्टेजेस में आप देखेंगे, के स्ट्रेटेजिस्ट देखेंगे के स्ट्रैटेजिस्ट के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी मतलब कहाँ तक भले सारा एन्वामेंट फेवरेबल है लेकिन सारी सारे रिसोर्स भी अवेलेबल है बट उस एन्वायरमेंट की एक कैपेसिटी है कि कितनों को रख सकता है तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स uh, जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जिनकी ग्रोथ होती है नेचर पॉपुलेशन कंट्रोल होता है वो के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं इनके ट्रेड्स क्या होते हैं दे of uh, आर बिगर इन साइज दे दे प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ ऑफ स्ट्रिंग्स ड्यूरिंग देर लाइफ टाइम दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग लेटर स्टेज इन द लाइफ जबकि आर स्ट्रेटजस्ट जल्दी स्टार्ट कर देते तो इनका डिस्पर्जल भी होता है मैमल uh, से बर्ड से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मेच्योर स्टेजेस में आप के स्ट्रेटजिस्ट देखेंगे और इनिशियल स्टेजेस में आपको आर स्ट्रेटेजिस्ट मिलेंगे फिर है फूड चेन फूड चेन कैसी है प्रीडोमिनेंटली ग्रेजिंग और यहाँ पर है डेट्राइटस तो ग्रेजिंग फूड चेन आपको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर रहता है बॉटम पे उसको चाहे फिर वो ग्रास है आपने स्कूल में पढ़ा होगा ग्रेजिंग फूड चेन है दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट डेट्राइटस जो भी फॉल है जो भी डेट्राइटस वहाँ पर अवेलेबल है उस इकोसिस्टम पर वो वहाँ से स्टार्ट होती उनको खाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स फिर कुछ और ऑर्गेनिजम इनको खाएंगे तो ये धीरे धीरे ये दोनों फूड चेन आप ने वाई मॉडल पढ़ा होगा इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में पता होगा एक इकोसिस्टम में दोनों पैरेलल चलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन भी चलती है ने फूड चेन भी चलती है और दोनों के ऑर्गेनिजम्स बाद में एक दूसरे चेन से खा सकते हैं फूड वेब जो बनता है सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोलॉजिकल डेवलपमेंट वी हैव सीन ट्रेंड्स हमने अभी ट्रेंड्स देखे हैं इनके क्या एक ट्रेंड बन जाता है तो क्वेश्चन ट्रेंड्स में से ही पूछे जाते हैं आप इसको पढ़िए कहीं समझ नहीं आए या आपको कुछ सी और एट्रीब्यूट uh, में कंपेरिजन में दिक्कत हो रही है तो आप अपने कमेंट्स हमें भेजिए और कोई और भी आप, आपकी प्रॉब्लम हो वो भी आप भेजिए सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो नेक्स्ट वीडियो विल बी अवज रिलेटेड टू द सेम टॉपिक इसी के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सक्सेशन से आते नहीं या फिर ट्रेंड से आते हैं वो देखेंगे सो टिल देन स्टे सेफ हेल्दी एंड स्टडी वेल थैंक यू